si perdere l'eco, se piano giocando te la volta qui. डॉल वो दोनों मैं खरीद लाया हूँ। वो डॉल तो
तुमसे कुछ बात भी करना चाहती है। हाँ, जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस आज खत्म होती है मैं तुमसे मिलने आता हूँ। ध्यान रखना। अच्छा चलो, अब मुझे एक प्यारी सी पुच्ची दो। झुमरी जी, नहीं वो गलती नहीं, आप यूज कर लीजिए झुमरी जी। अच्छा गुड़िया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है। हाँ, किसका फोन था? ओ गुड़िया, गुड़िया का फोन था। आप मुझे लाते ही नहीं हो खिलाने के लिए। वो क्या करेगी आकर भला यार? अरे मैं खेलूंगा ना उसके साथ, वो पिंक फ्रॉक आप उसके लिए लाए हो ना। हाँ वो बहुत सुंदर है, कल ना उसका दसवां जन्मदिन है। मैं भी चलूंगा, प्लीज सब चलेंगे। अच्छा सत्तू, इधर आ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किसी को बताओगे तो नहीं? प्रॉमिस। मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब से कुछ दिनों की छुट्टी मांग कर उसे मिलने चला जाऊं। तो क्या है ना कि अस्पताल में भी उसे अकेला महसूस होता है और वो भी मुझे बहुत मिस करती है। आप भी उसे बहुत मिस करते हो ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं करे? आराम खाओ के क्या कर रहे बनो जी? झुमरी जी प्रैक्टिस करो। ये क्या हो रहा है? झुमरी जी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? आप लोग क्यों सीरियसली ले रहे इंसान को? फोन बच रहा है, किसका फोन आ रहा है? आपका आ रहा है। अरे किस गधे का कॉल आ रहा है? आपकी माता जी का। माता सी आ रही है? पता क्या हो गया? प्रोड्यूसर बैकआउट करके कहां से आएंगे पैसे बताना? काम को सीरियसली ले नहीं रहे। आप कुछ सोचो, पैसों का इंतजाम कैसे होगा? पैसों का इंतजाम करिए। ये हर प्रोड्यूसर आखिर में क्यों छोड़ के चले जाता है, मेरी तो समझ में आता ही नहीं है। ये तो अपना तीसरा प्रोड्यूसर था ना इस महीने का। झुमरी जी मुझे तो लगता है किसी ने ना कुछ काला जादू कर दिया हम पे। क्या बोलती रहती हो तुम? झुमरी जी एक समय था हम क्लाउन स्कूल में। बीत चुका है वो समय कैलाश, कुछ नहीं रखा है सर्कस में अब। पर हमें प्रोड्यूसर की जरूरत ही क्या है, हम अपना पैसा खुद के लिए लगा सकते हैं। हाँ खुद के पैसे लगाने के लिए पैसे होने भी चाहिए। ऐसा है तो फिर अपने रिश्तेदारों से मांग लेते हैं। कैलाश भाई ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो हमारा शो तो देखने आते नहीं, पैसे क्यों देंगे हमें? अरे लोन ले लेते हैं। अच्छा भला कौन देगा हमको लोन, हम बताना? मुझे तो लगता है कि हमको ऐसे बैंक में घुसने भी नहीं देंगे। हाँ है? अरे क्यों नहीं घुसने देंगे, हम लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही चलेंगे, आखिर हम भी तो इंसान ही है। चोरी कर लो फिर। चोरी? हाँ चोरी करने में हंसी क्या है? और इन बैंक में तो बहुत सारा पैसा होता होगा है ना? हाँ चोरी करते हैं। हाँ और वैसे भी ये लोग डरते हैं ना हमसे, तो मैं तो कहता हूँ इसी डर का फायदा उठाते और लूट लेते हैं सारे बैंक को। अरे सोचो लूटे हुए पैसों से हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जिया जी आपकी वो चकाचक कॉस्ट्यूम भी आ जाएगी और विनोद जी हम ना खुद के 15-20 शोज प्रोड्यूस कर लेंगे, हम ना बाहर जाके सर्कस करेंगे। अरे बाहर के सर्कस की तो बात ही कुछ और होती है, हम लोग इतने अमीर हो जाएंगे, हम लोग खुद का एक विला खरीदेंगे, उस विला में सब साथ में रहेंगे और बेहिसाब खाना खाएंगे। हाँ मगर सब साथ में रहेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे? खैर इतनी बड़ी जिंदगी है, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, हम चोरी करेंगे। हाँ अरे पर कैलाश भाई हम लोग इस चोरी को अंजाम कैसे देंगे? आसिफ सीधा बैंक में जाएंगे और इस पांच जाने बहुत दिल बहुत दिल बहुत दिल बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ये सब क्या है?
ये सब तो ठीक है पर वहाँ से भागेंगे कैसे? और जो यूबर या मेट्रो, मैं तो कह रही हूँ यूबर कर लेंगे, मेरे पास कूपन से पड़े हैं। कितना पागल हो तुम, हाँ दिमाग नहीं है तुम्हें? कितना भी इसको बन गई, काम करते करते तुम सबके सब वैसे, हाँ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे तुम लोग। चोरी करेंगे, चोरी करेंगे, कहाँ से करोगे चोरी? ना हम बैंक में घुस सकते हैं, ना वहां से निकल सकते हैं। चोरी करेंगे, बात करते हैं, कहाँ गया तुम्हारा दिमाग? हाँ नहीं, अब बोल दो ना कि मैं यूं खुद को इतना बड़ा समझ के बैठ गई हूँ। सीधा मेरे मुंह पे क्यों नहीं कहते कि पसंद नहीं करते मुझे? हाँ काम नहीं करना चाहते ना मेरे साथ, तो मत करो। मुझे भी तुम लोगों के साथ कोई काम वाम करना ही नहीं है, वैसे भी होता क्या है तुमसे काम? हाँ आ जाते हो। और एक बात सुन लेना कि कुछ भी हो जाए हम चोरी तो कर ही नहीं सकते कभी, क्योंकि सच तो ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। राजी क्या कर रहे हो? क्या? हाँ क्या? चुप, तू एकदम चुप, दिमाग नहीं है बेवकूफ, जहाँ देखो ढोलक की तरफ बात जाता है बस बस तभी। अरे ये लाश, ओहो बस तभी तो एकदम, तुम देखो अभी तुम। सॉरी झुंडी जी, सच्ची में सॉरी। तुम्हें कैलाशी सॉरी सॉरी होता है। चुप। वो मैं कह रहा था कि परफॉर्मेंस का टाइम भी हो ही रहा है तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके। वैसे भी कैलाश भाई ने माहौल कुछ छोड़ा नहीं है अभी। चिल्ला दिया मतलब, तुम बुरा मत मानना मतलब।
तुम समझ रही हो ना? हाँ झुमरी जी, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी गलती मेरी भी तो थी ना। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, ऐसे खुश रहती हो अच्छा लगता है। झुमरी जी वो क्या है ना, अपने इतने एक्सपीरियंस से मैंने यही समझा है कि मेरी खुशी तो मेरे हाथ में ही है, इसलिए मैं तो खूब मजे मारती हूँ। कमाल हो तो। तुम्हें पता ही जिया किस्मत क्या होती है। बहुत बड़ी चीज होती है किस्मत, बहुत बड़ी, पैसों से भी ज्यादा बड़ी। अगर किस्मत खराब हो ना तो पूरी जिंदगी एकदम खाली जाती है, खाली मेरी तरह। मैंने अपने इतने साल दिए थे इस काम को, तभी आज तक ना कोई घर ना परिवार कुछ भी नहीं, ये सब तो दूर की बातें हैं, गुजारा भी नहीं हो पाता। और मेरा मन तो करता है कि क्या मन करता है आपका जी? मेरा मन करता है कि अब छोड़ दूँ ये क्लाउनिंग वगैरह और चली जाओ यहाँ से, दूर, बहुत दूर। मैं पैसों की भी तो जरूरत रहती है, फिर मतलब आपको एक काम नहीं पसंद? टूटे हुए लोग जब खुद को नहीं जोड़ पाते ना तब वो दूसरों को जोड़ते हैं। बुरा तो तब लगता है जब लोग हमारी मेहनत देखते ही नहीं है, उनको लगता है हम हर समय खुश है, मजाक बना के रख दिया है हमारा। अब तुम मुझे बताओ जिया, अगर कोई इंसान खुश दिख रहा है तो क्या उसका मतलब वो सच में खुश है? बताओ झुमरी जी, मैं तो एक क्लाउन हूं, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? छोड़ो ये सब, तुम मुझे ये बताओ कि आप वो पैसे कब वापस कर रहे हैं? विनोद जी मुझे जरूरत थी, वरना मैं मांगता नहीं आपसे ऐसे। आप समझ रहे हैं ना परिस्थितियां कितनी? हाँ कैलाशी, वो मैं समझ रहा हूँ, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ कैलाशी। दरअसल मेरी बात हुई उनसे और मैं उसके बाद आपको बताने ही वाला था कि मैं तो बता दूँ ना विनोद अंकल, क्या हम कैसे बनते हैं प्लीज बता दो। तू हर वक्त परेशान मत किया करो। मैं सारा टाइम प्रॉपर्टी उठाता रहूंगा क्या? प्लीज बता दो। क्या हम कहीं सिर्फ सर्कस ही करते हैं? नहीं सत्तू, हम लोग और भी कई काम कर सकते हैं। क्या? हाँ वो हम लोग स्केल हाउस में काम कर सकते हैं, किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बाहर पे जाते हैं। नहीं अरे मॉल में गुब्बारे भी छीनते हैं ना। बर्थडे पार्टी में परफॉर्म कर सकते हैं, किसी डांस कंपनी का हिस्सा हम तो
Thank you.
जी मेकअप कहाँ क्या करे अपने, क्या हो गया मनोज जी, सब ठीक तो है ना? अरे नया प्रोड्यूसर मिल गया, अगले 15 मिनट में परफॉर्मेंस अच्छे से मेकअप से करिए। हां चलिए चलिए, आप बाकी लोग के प्रॉप्स वॉप्स देख लेना, मेकअप वेकअप लगा लो। और Thank you.
इंसान एक मस्खरा, हर चेहरा एक मुखौटा। वैसे तो बहुत से ख्याल आते हैं जहन में, मगर कोई देख ना ले उन्हें, शायद इसी बात से घबराते हैं। तो हमने भी ये मुखौटा ओढ़ लिया, खुद को आजाद कहकर, खुद को खुद ही में कैद कर लिया। मस्खरे मस्खरे ये मस्खरे ये मस्खरे, मैं जहां नजर फेरता हूं मुझे ये मस्खरे मिलते हैं। ये सर्कस के अलावा भी मुझे हर जगह क्यों दिखाई देते हैं? खुशियां खुशियां बांटने चले हो हां, तो थोड़ी खुशियां बटोर भी लेना, क्योंकि उदास और बिखरे चेहरे उन्हें पसंद नहीं। वो दिखाते हैं कि तुम कमजोर हो, तो ओढ़ लो ये मुखौटा और बीती बातों को छोड़ दो, क्योंकि मन की इन बातों को हम मन में ही दबा लेंगे। मुश्किलें अगर है तो एक मुस्कुराहट से छुपा लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू एल फॉर क्लाउन्स।